हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्मिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक क्रॉप टॉप और उसके ऊपर एक श्रग की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने इस वाली पिक से इंस्पायर होकर के बनाया लास्ट है। वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इस वाले बॉक्स प्लेट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की थी, तो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आज मैं इसके ऊपर के लिए ही क्रॉप टॉप और श्रग बनाने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्रॉप टॉप के लिए मैंने वही वाला फैब्रिक यूज़ किया है जिससे मैंने अपना प्लाजो बनाया था, और श्रग के लिए मैंने ये फैब्रिक यूज़ किया है। तो चलिए सबसे पहले मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने ये क्रॉप टॉप वाला फैब्रिक लिया है और उसे इस तरीके से टू फोल्ड करके पहले हमने बिछा लिया है, और अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ये यहाँ से ऊपर तक इसकी जो लेंथ है वो 15.5 इंच है, और मुझे ये तैयार 14 इंच चाहिए, तो मैं ये पूरा पूरा ही ले लूँगी और इसके बाद इसे एक और बार फोल्ड कर लूँगी, मतलब फोर फोल्ड कर लूँगी। क्रॉप टॉप बनाना बहुत ही इजी है और मैं आपको ये बहुत ही इजी मेथड से बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो ये मैंने फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लिया है, वन साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड दूसरी तरफ है, और अब हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर सबसे पहले हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे, जो कि मैं 7 इंच पे लगा रही हूँ। आपका जितना भी मेज़रमेंट है आप उसके हिसाब से मार्क करिएगा। इसके बाद अब हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो ये मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसे स्लीवलेस बनाने वाली हूँ। इसके बाद दोनों पॉइंट को स्केल की हेल्प से मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है उसे 4 से डिवाइड करके मार्क कर लीजिए और स्केल से इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो जितना मैंने ऊपर चेस्ट का निशान लगाया था सेम उतना ही नीचे मैं वेस्ट की भी मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे प्लीट्स बनानी है, और दोनों पॉइंट्स को मिला करके इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक की मार्किंग मैंने 4 इंच पे की है क्योंकि मैं यहाँ पे बोट नेक बना रही हूँ, और इसकी गहराई भी मैंने 4 इंच ही रखी है। और यहाँ से अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें हम अपना जो हमारा नेक का शेप है उसे ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं बोट नेक का शेप बना रही हूँ, तो उसे मैं ड्रॉ कर लूँगी। नेक का शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ से हम अपना शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच पे। अब यहाँ पे हम अपने आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए पहले मैंने ये इस तरीके से स्केल से 1/2 इंच अंदर की तरफ एक लाइन मार्क कर ली है। अब यहाँ पे मैं अपना आर्म होल का शेप ड्रॉ करूँगी, तो ये मेरा बैक का आर्म होल का शेप है और ये फ्रंट का आर्म होल का शेप है। यहाँ से 1 से 1.5 इंच की हम सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे, और अब हम इसको इसी तरीके से जो हमने ये बाहर बाहर मार्क किया है उसके ऊपर कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसमें से एक पीस को हम अलग कर देंगे, जो कि हमारा बैक का पीस होगा, और इसको वापस से फोल्ड करके जैसे पहले था वैसे ही रख लेंगे, और ये जो हमने फ्रंट में आर्म होल का शेप ड्रॉ किया था उसे भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, और अब हम जो ये फ्रंट का हमारा पीस है उसमें हम डॉट्स का निशान लगाएंगे। तो ये ऊपर से मैंने 10 इंच पर मार्क किया है और साइड से यहाँ पर मैंने 4 इंच पे मार्क किया है, और अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे हम अपनी प्लीट्स बनाएंगे, मतलब डॉट्स बनाएंगे। अब ये जो हमने मार्क किया है ये हमें दूसरी तरफ भी चाहिए, तो इसके लिए मैं इसे इस तरीके से खोलूँगी और बिल्कुल बराबर से ऐसे रख करके हल्का सा टैप टैप कर दूँगी, ताकि दूसरी साइड में भी हमारा ये मार्क ट्रेस हो जाए। तो इस तरीके से मैं दूसरी तरफ भी ये मार्क उठा लूँगी और इसे फिर डार्क कर लूँगी। ये देखिए इस पर ट्रेस हो गया है, और अब यहाँ पे दोनों तरफ जो ये मार्क मैंने ट्रेस किया यहाँ पे दोनों तरफ मैं प्लीट्स बनाऊँगी। इसके बाद सेम इसी तरीके से मैं बैक में भी निशान लगा लूँगी, जो हमारा बैक पीस है उसमें भी सेम इसी तरीके से हमें डॉट्स की मार्किंग कर लेनी है, जैसे हमने अपने फ्रंट में किया था। तो ये हमारे क्रॉप टॉप की कटिंग कम्प्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम श्रग की कटिंग करेंगे, यानी जैकेट की कटिंग करेंगे। तो श्रग बनाने के लिए हमने अपना ये श्रग वाला फैब्रिक ले लिया है, और इसे पहले मैंने 2 फोल्ड किया है, और इसे एक और बार फोल्ड करके पहले हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे, और 4 फोल्ड करके बराबर से बिल्कुल इसको हम बिछा लेंगे। और ये मेरा जो फैब्रिक था वो डबल लर्ज का है, इसीलिए मैंने इसे लंबाई में ही 4 फोल्ड कर लिया है। आपका फैब्रिक जैसे हो उस हिसाब से उसे 4 फोल्ड करके बिछा लीजिएगा।
अब यहाँ ऊपर से हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जो हमने अपने क्रॉप टॉप में शोल्डर रखा था वो 7 इंच रखा था, लेकिन यहाँ पे हम 7.5 इंच रखेंगे क्योंकि ये श्रग है। तो ये मैं 7.5 इंच पे यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो आर्म होल भी यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखूँगी, तो इसे मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी क्योंकि श्रग हमारा थोड़ा सा ढीला होता है। तो ये मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया है। और अब इन दोनों मार्क को मिला करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए जितना भी हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है उसे 4 से डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो ये मैंने मार्क कर लिया है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए ऊपर से नीचे की तरफ ये मैंने 14 इंच पे मार्क कर लिया है और यहाँ पे हमारी वेस्ट का मेज़रमेंट आएगा। तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पे मार्क कर लीजिए। अब ऊपर जो हमने अपनी चेस्ट की मार्किंग की थी वहाँ से नीचे जो हमने अपने वेस्ट की मार्किंग की वहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अब यहाँ पे हम अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। तो ये मैं 3 इंच पे कर रही हूँ और इसके बाद इसकी गहराई की मार्किंग करेंगे। तो ये मैं 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और अब इन सारे मार्क को मिला करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इधर से ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें अपने गले का शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से ये जो हमारा शोल्डर इसको हम 1/2 इंच डाउन कर लेंगे और एक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम अपने आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले मैं बैक का जो हमारा आर्म होल का शेप है उसे ड्रॉ करूँगी, फिर थोड़ा अंदर से ये मैं फ्रंट का भी आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लूँगी। और इसके बाद यहाँ से हम 1 से 1.5 इंच अपनी सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे अपनी वेस्ट लाइन तक। अब ये जो हमने अपने वेस्ट लाइन के पास मार्क किया है वहाँ से लेकर के नीचे तक हम इस तरीके से तिरछा ले जा करके पूरा मिला देंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने बैक के नेक की मार्किंग कर रही हूँ। तो इसको मैं 1.5 इंच पे मार्क करूँगी और अपना नेक का शेप ड्रॉ कर लूँगी। अभी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले मैं बैक के नेक की कटिंग कर रही हूँ और जितनी भी बाहर बाहर हमारी मार्किंग है पहले मैं उसे कट कर ले रही हूँ। अब ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है और इसमें से एक पीस जो कि हमारा बैक का पीस होगा उसे मैं अलग कर दूंगी और ये जो एक पीस है इसको मैं फिर से फोल्ड करके रखूंगी और जो हमने फ्रंट के लिए मार्क किया है गले में और आर्म होल पे उसे कट कर लूंगी। इसके बाद ये जो हमारा श्रग है सामने से पूरा फ्रंट से ओपन होगा, तो बिल्कुल बराबर से बिछा करके इसे मैं ऊपर से ले करके नेक से लेकर के नीचे तक पूरा कट कर लूँगी। तो ये हमारी श्रग की और क्रॉप टॉप की कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम अपने क्रॉप टॉप की स्टिचिंग करेंगे और ये हमने अपने क्रॉप टॉप के जो हमारा फ्रंट का पीस था उसे ही रख करके मैंने ये लाइनिंग की फैब्रिक को भी कट कर लिया है। फ्रंट में मैं लाइनिंग लगाने वाली हूँ तो फ्रंट के पीस को ही रख करके मैंने ये लाइनिंग का फैब्रिक कट कर लिया है और अब हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए जो ये हमारा फ्रंट का पीस है उसकी सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और उसके ऊपर ये मैंने लाइनिंग की फैब्रिक को रखा है और दोनों को मिलाते हुए इसके नेक पे और आर्म होल पे हमें स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने स्टिचिंग कर ली है और अब इसमें हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और कट्स लगाने के बाद इसे टर्न कर लेंगे, सीधी साइड पर टर्न कर लेंगे। तो ये मैंने इसे टर्न कर लिया है और बिल्कुल बराबर से इसे इस तरीके से बिछा लिया है। अब हम अपनी प्लीट्स बनाएंगे। तो उसके लिए ये जो मैंने पहले मार्क किया था उसे इस तरीके से चॉक से पहले मैं डार्क कर लूँगी दोनों तरफ के और इसके ऊपर फिर ये जो हमारा ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक है इसको बिछा लूँगी बिल्कुल बराबर से और इसे हल्का हल्का सा टैप करूँगी ताकि जो हमने ये नीचे निशान लगाया है वो हमारा ऊपर की तरफ आ जाए और इसे भी डार्क कर लूँगी। अब यहाँ पे हमें अपना डॉट्स बनाना है। तो इसके लिए जो हमने ये मार्क किया है उसे इस तरीके से पकड़ के रखेंगे और यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक हमें ट्रायंगल के शेप में स्टिच कर लेना है और दोनों तरफ हमें इसी तरीके से करना है। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है और ये जो फ्रंट से है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और ये जो हमारा फ्रंट का पीस था वो बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद ये जो हमारा बैक का पीस है उसे हमें तैयार करना है। तो उसे सबसे पहले मैं इस तरीके से सेंटर से बीच से बिल्कुल फोल्ड करूँगी बराबर से और इसे कट कर लूँगी क्योंकि ये जो पीछे की साइड में है यहाँ पे हमारी जिप आएगी। तो पहले मैं इसे कट कर ले रही हूँ। तो ये सेंटर से कट करने के बाद इसी के नाप की हमें 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है दोनों पीस में हमें इसे लगाने के लिए। तो ये मैं कट कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे हमें जिप अटैच करनी है। तो उसके लिए जो हमारा बैक का पीस है उसकी सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और उसके ऊपर जिप को इस तरीके से रखेंगे कि जिप की जो सीधी साइड है अंदर की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है ये इस तरीके से।
इसके बाद ये जो हमने पट्टी कट की थी इसके ऊपर इसे रखेंगे और इसके बिल्कुल किनारे किनारे से यहाँ से हमें स्टिच कर लेना है। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ, तो ये मैंने स्टिच कर लिया है और अब मैं इसे इस तरीके से टर्न करूँगी तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा पट्टी हमारी और जिप बाहर की तरफ आ जाएगी। अब जो ये हमारा दूसरा वाला पीस है इसे भी हमें इसमें अटैच करना है। अब इसमें हमें अपना दूसरा पीस जो है उसे अटैच करना है, तो ये जो हमने जिप लगाई है जहाँ भी इससे खुलती है उसकी दूसरी तरफ हमने अपने ये दूसरे वाले पीस को रखना है। इसकी उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और सीधी साइड नीचे की तरफ है और जिप के नीचे की तरफ ये मैंने पट्टी रख ली है, मतलब जिप हमारी बीच में है और नीचे की तरफ हमारी ये पट्टी जो हमने कट की थी उसे रखा है और ऊपर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और इसे यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है और इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा लिया है और अब मैं इसे आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। देखिए बैक साइड से भी कितने अच्छे से अटैच हुई है हमारी जिप। अब इसे हम अंदर की तरफ, ये जो हमारा पट्टी हमने लगाया है इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर तुरपन कर लेंगे। और अगर आपको जिप लगाने में परेशानी आती है तो आप यहाँ पर हुक आइज भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये जो जिप हमारी एक्स्ट्रा निकली हुई है उसे हम कट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए इसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके नेक को और आर्म होल को बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये और एक पट्टी कट की हुई है और इसको अब मैं इस तरीके से किनारे किनारे इसको रखूँगी और इसे खींचना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से इसको ढीला छोड़ते हुए ही स्टिच कर लेना है। और इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी और आर्म होल पर भी इसी तरीके से ये पट्टी अटैच कर लूँगी। तो ये मैंने नेक पे और आर्म होल पे और एक पट्टी अटैच कर ली है और अब हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे ताकि हम इसे ईजिली टर्न कर सकें। और कट लगाते समय हमें यही ध्यान देना है कि हमारी स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए, तो छोटे छोटे से कट्स हम लगा लेंगे और इसे इस तरीके से पहले टर्न कर लेंगे। सारी पट्टियों को अंदर की तरफ टर्न करके हम इस पर तुरपन कर लेंगे और ऊपर से हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो पट्टियों को अंदर की तरफ टर्न करके मैंने उस पर तुरपन कर लिया है और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लिया है और ये जो हमारा बैक साइड की प्लेट्स थी उसे भी मैंने बना लिया है जैसे मैंने फ्रंट का बनाया था सेम उसी तरीके से। इसके बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे, तो उसके लिए जो ये हमारा बैक का पीस है इसकी सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और ये जो हमारा फ्रंट का पीस था इसकी उल्टी साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और दोनों के शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। और इसके बाद इसकी साइड की भी स्टिच हम लगा लेंगे, फिटिंग की स्टिच। इसके बाद ये जो इसके नीचे के रॉयजेस हैं इसे भी हम डबल फोल्ड करके इसे भी स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने सारी स्टिचिंग कर ली है और ये हमारा टॉप बन करके रेडी हो गया है। फ्रंट से ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और बैक से ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसके बाद हम अपनी श्रक की स्टिचिंग करेंगे, तो ये हमारा श्रक जो हमने कट किया था वो है और ये दोनों पीस को मैंने इस तरीके से रख लिया है। दोनों पीस की सीधी साइड को मैंने अंदर की तरफ रखा हुआ है और यहाँ से पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये मैंने शोल्डर अटैच कर लिया है और इसके बाद अब हम ये जो हमारा नेक है और आर्म होल है उसे स्टिच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये और एक पट्टी की स्ट्रिप तैयार की हुई है और इसको अब हम नेक के किनारे किनारे पे इस तरीके से रखेंगे और इसे खींचते हुए स्टिच कर लेंगे। आर्म होल पे भी इसी तरीके से हम इसको खींच करके स्टिच करके पहले अटैच कर लेंगे। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ। तो ये मैंने नेक पे और आर्म होल पे और एक पट्टी को अटैच कर लिया है और अब हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे। तो उसके लिए जो ये हमने पट्टी ज्वाइन की है उसको मैंने एक बार अंदर की तरफ टर्न किया और एक और बार टर्न करके इस तरीके से पतली पाइपिंग बना लूँगी। आप इसे अपने हिसाब से चौड़ा पतला बना सकते हैं और इसके किनारे किनारे हमें स्टिच कर लेना है। नेक और आर्म होल दोनों को हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये मैंने अपनी पाइपिंग बना ली है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये इतनी बारीक सी पाइपिंग मैंने नेक पे और आर्म होल पे सब जगह बना लिया है। अब इसके बाद जो हमने अपने फ्रंट के पीस में सेंटर से कट किया उसे हेम करेंगे, तो उसके लिए मैं इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करूंगी और इसके ऊपर स्टिच कर लूंगी। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से करना है, तो पहले मैं ये कर ले रही हूं। इसके बाद हमें इसकी साइड की सिलाई लगानी है, फिटिंग की सिलाई। तो इसके लिए मैं ऊपर से 14 इंच पे मार्क करूंगी और यहाँ तक हम इसकी अपनी साइड की सिलाई लगा लेंगे, फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे 14 इंच तक ही स्टिच करूंगी और इसके नीचे चौक बना करके खुला छोड़ दूंगी। तो मैंने ये यहाँ तक अपनी फिटिंग की स्टिच लगा ली है और इसके नीचे अब ये जो खुला हुआ है यहाँ पे हमें चौक बनाना है। तो उसके लिए ये जो हमने स्टिच लगाई है जहाँ तक वहाँ से बिल्कुल टाइट इस तरह से खींच के पकड़ेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए पहले इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ इसे पिन से सिक्योर कर लिया है और अब इसके किनारे किनारे हम स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ से हमें स्टिच कर लेना है। इसके बाद ये जो नीचे की साइड है इसको भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसके भी दोनों तरफ हम स्टिच कर लेंगे और इसी तरीके से हम फ्रंट और बैक दोनों को तैयार कर लेंगे। तो ये सब कुछ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये हमारा श्रग बन करके रेडी हो गया है। ये मैंने इसकी चौक पे स्टिच कर लिया है। श्रग की कटिंग और स्टिचिंग का फुल वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ पूरा क्रॉप टॉप और प्लाजो के साथ कि ये कैसा लगता है। तो ये जो हमारा क्रॉप टॉप है इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा, और ये जो प्लाजो है ये भी इसके अंदर इस तरीके से आ जाएगा। और ये है हमारे ड्रेस का फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से लगेगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।